हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जीपर क्रीपर मूवी का थर्ड पार्ट और इसके दो पार्ट हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत में जीपर क्रीपर एक लड़के के पीछे भाग रहा होता है और वो डरा हुआ लड़का हाथ में एक बड़ी सी तलवार लेकर आगे आगे भाग रहा होता है। तभी उस लड़के को सामने से आती हुई एक कार दिखाई देती है तो वह भाग कर उस कार की तरफ जाता है ताकि वह बचकर वहाँ से भाग सके। लेकिन तभी वहाँ पर जीपर क्रीपर आ जाता है और उस लड़के को लेकर उड़ जाता है। तभी उस कार के ऊपर वो तलवार और एक कटा हुआ हाथ आकर पड़ता है जो किसी और का नहीं बल्कि जीपर का ही था। अब हम 23 साल के बाद का सीन देखते हैं। यह जीपर क्रीपर पार्ट 1 के बाद का सीन है जहां पर जीपर स्ट्रीनर्स के भाई डैरी को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं पुलिस को जीपर क्रीपर का ट्रक मिलता है जिसको जीपर पुलिस स्टेशन के पास छोड़ गया था। फिर एक पुलिस अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाकर लाता है जिसका नाम डेविस होता है। और डेविस जब उस गाड़ी के अंदर देखता है तो उस गाड़ी में पड़ी डेड बॉडी जो हड्डियों में तब्दील हो चुकी थी जिसको देखकर वह बुरी तरह से चौंक जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी के अंदर अपना सर डालकर देखने की कोशिश करता है। गाड़ी के दरवाजे पर नुकीली रोड्स का एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है लेकिन पुलिस ऑफिसर की जान बच जाती है, लेकिन ट्रैप में फंसने की वजह से उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर शेरिफ और डैन आ जाते हैं और वो उस ट्रक को देखकर पहचान जाते हैं कि यह ट्रक किसी और का नहीं बल्कि जीपर क्रीपर का ही है। फिर डैन डेविस को जीपर्स की सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार जीपर 23 सालों के बाद 23 दिनों के लिए जागता है और इंसानी अंगों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। डैन ने जीपर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स की एक टीम बनाई होती है जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी हालत में जीपर्स को मारना, क्योंकि जीपर्स ने इनके ही किसी चाहने वाले को पहले मारा हुआ होता है। डैन को यकीन होता है कि जीपर्स अपनी गाड़ी लेने जरूर आएगा। इससे पहले कि डैन जीपर्स की गाड़ी को अपने कब्जे में लेता, पुलिस वाले उस गाड़ी को टोए करके ले जाते हैं। डैन को पता लगते ही वह उन ऑफिसर्स की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि डैन को पता था कि अब पुलिस वालों की जान खतरे में है। पुलिस वाले उस ट्रक को ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जीपर आ जाता है और अपने ट्रक को पुलिस वालों की ट्रक से अलग कर लेता है। पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि जीपर उस ट्रक पर खड़ा होकर उसे अपने इशारों में चला रहा था। तभी अचानक से जीपर उन पुलिस वालों पर अटैक कर देता है। तभी एक लेडी ऑफिसर जीपर्स को शूट करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन जीपर्स अपने इशारे से उस लेडी ऑफिसर को ऐसा करने से मना करता है। वह लेडी ऑफिसर बुरी तरह से डर जाती है और जीपर्स को शूट नहीं कर पाती और जीपर्स उस पुलिस ऑफिसर को लेकर उठ जाता है और वह लेडी ऑफिसर उसे देखती ही रह जाती है। अगले सीन में हम गैलन नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे 23 साल पहले मरे अपने बेटे कैनी की आत्मा दिखाई देती है। और जब गैलन उसके पास जाती है तो वह गैलन को बताता है कि जीपर्स का कटा हुआ हाथ जो उन्होंने अपने खेत में छुपा कर रखा है उसे नष्ट कर दे क्योंकि जीपर्स उनके पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है, इसलिए वह अपने कटे हुए हाथ को ढूंढने वहाँ पर जरूर आएगा और तुम्हारे साथ तुम्हारी पोती एडिसन को भी मार देगा। दरअसल आज से 23 साल पहले जब कैनी जिंदा था तो उसे जीपर्स का कटा हुआ हाथ मिला था और उसने उसे अपनी मदर गैलन के साथ खेत में छुपा दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद जीपर ने कैनी को मार दिया था। अगली सुबह हम गैलन को देखते हैं जो अपने ट्रैक्टर पर बैठी होती है। तभी एडिसन अपने घोड़े पर सैर करके वापस लौट रही होती है और गैलन से घोड़े के लिए चारा लाने के लिए कहती है तो गैलन एडिसन को चारा लाने से साफ मना कर देती है और एडिसन से बोलती है कि तुम इसे बेच दो क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस घोड़े को चारा खिला सके। एडिसन को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है क्योंकि वह अपने घोड़े से बहुत प्यार करती है और उसे बेचना नहीं चाहती है। एडिसन जहाँ से अपने घोड़े के लिए चारा लेकर आती है वहाँ उसका बहुत ज्यादा उधार हो गया था, लेकिन उस दुकान के मालिक का बेटा जिनका नाम बड़ी होता है वह एडिसन को बहुत पसंद करता है, इसलिए वह एडिसन को बिना पैसे लिए फ्री में चारा दे देता है और यह चारा डिलीवरी करने एडिसन के साथ जाता है। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो डेविस को अपने साथ जीपर्स को मारने के लिए चलने को कहता है क्योंकि डेविस एक शार्प शूटर होता है, उसका निशाना एकदम सटीक होता है। लेकिन डेविस डैन के साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वह जीपर से बुरी तरह से डरा हुआ था जिसकी वजह से वह पिछली बार भी उसे शूट नहीं कर पाया था। तभी माइकल अपनी गन के साथ आता है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। दरअसल माइकल डैन के द्वारा बनाई गई हंटर्स टीम का हेड होता है और वह हर हालत में जीपर्स को मारना चाहता है क्योंकि सालों पहले जीपर्स ने उसके डैड को मार दिया था और किसी भी तरह डैन भी डेविस को अपने साथ आने के लिए मना लेता है। अगले सीन में हम चार दोस्तों को देखते हैं जो अपनी बाइकों पर मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनको जीपर्स का ट्रक दिखाई देता है जिसको वह बेकार गाड़ी समझकर उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर उस ट्रक पर मारता है। तभी वह पत्थर वापस आकर उस लड़के को लगता है। तब वो लड़के गुस्से में आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का उस गाड़ी पर टॉयलेट कर देता है और गाड़ी का दरवाजा खोल लेते हैं। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद जब उस गाड़ी में पड़ी डेड बॉडी को देखते
करते हैं तो वह बुरी तरह से डर जाते हैं और अचानक से वह नुकीली रोड वाला ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो मरते मरते बचते हैं। तब उनको समझ में आता है कि यह कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आते हैं। तभी गाड़ी के नीचे एक वायर निकल के आती है और उनमें से एक लड़के के पैर में जाकर लगती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह लड़का डर के मारे भाग जाता है। तभी वहां पर जीपर आ जाता है और उसको देखकर दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं लेकिन जीपर अपने भाले से दोनों को मार गिराता है और जब देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी पर टॉयलेट किया है तो उस लड़के को भी ढूंढकर मार देता है। अगले सीन में हम गैलन को देखते हैं जो अपने खेत में जीपर्स के कटे हुए हाथ को बाहर निकालती है। उस हाथ में अभी भी जान बाकी थी। गैलन उस हाथ को छूती है तभी वह हाथ गैलन को पकड़कर ऊपर उठा देता है। गैलन की आंखें सफेद हो जाती है और उसे जीपर्स के बारे में काफी कुछ पता चलता है कि वह कौन है और कहां से आया है। तभी बड़ी और एडिसन चारा डिलीवर करने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि सब लोग वहां पर छुपे हुए थे। तभी जीपर्स वहां पर आ जाता है और एडिसन जो बुरी तरह से डरी हुई थी वह उसे उड़ाकर वहां से ले जाता है। जीपर्स उसे सफेद कपड़े में लपेटकर अपनी गाड़ी में डाल देता है और किसी और इंसान के शिकार पर निकल जाता है। वहां पर एडिसन और एक लड़का दोनों कैद थे। वह किसी तरह से उस सफेद कपड़े से अपने आप को बाहर निकालते हैं और वह लड़का एडिसन को बताता है कि यह कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, यह एक ट्रैप है जो कि छोटी सी गलती पर उनकी जान ले सकती है। वह लड़का उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तभी साइड से एक रोड निकलकर उसके सर के आर पार हो जाता है। एडिसन बुरी तरह से डर जाती है। तभी वहां पर जीपर आ जाता है तो एडिसन वापस से उस सफेद कपड़े को ओढ़कर सो जाती है। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो डेविस और अपनी हंटर टीम के साथ गैलन के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। उनको पता लग जाता है कि गैलन के पास जीपर्स का कटा हुआ हाथ है जिससे उन्हें जीपर्स को ढूंढने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर जब डैन क्रीपर्स का हाथ पकड़ता है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है और डैन की आंखें सफेद हो जाती है। वह इतना डर जाता है कि किसी को भी कुछ नहीं बता पाता। अगले ही पल रेडियो पर खबर मिलती है कि पास के हाईवे पर जीपर्स के ट्रक को देखा गया है। तभी डैन अपनी टीम के साथ जीपर्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। डेविस जीपर्स के ट्रक पर पीछे से फायर करता है। तभी ट्रक की बुल ट्रक के टायर से टकराकर वापस आ जाती है। तब उनको समझ आता है कि यह कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तभी आगे से माइकल आ जाता है और उस ट्रक पर अपनी मशीन गन से फायर कर देता है। हालांकि डैन और डेविस उसे ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता है और ट्रक से टकराकर वापस आने के बुलेट के कारण मारा जाता है। तभी जीपर्स अपने ट्रक से एक एडवांस बॉम्ब निकालकर डैन और डेविस को मारने की कोशिश करता है जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। जीपर्स उसको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है तभी डेविस उसको शूट करता है लेकिन डेविस की गोलियों से जीपर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और जीपर्स की आइकॉनिक टोपी नीचे गिर जाती है जिससे जीपर्स को बहुत गुस्सा आता है और डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी डैन शोर मचा देता है और वह उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। तभी जीपर्स डेविस को छोड़कर डैन की तरफ बढ़ता है। उसी दौरान डैन माइकल की मशीन गन से जीपर्स पर फायर कर देता है और सारी बुलेट जीपर्स की बॉडी को चीरती हुई आर पार निकल जाती है लेकिन जीपर्स पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ऊपर चढ़कर डैन को मार डालता है। ये सब डेविस देख रहा होता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता और जंगल की तरफ भाग जाता है। जीपर्स अपने ट्रक में वापस आ जाता है और देखता है कि एडिसन अभी भी जिंदा है। तभी वह एडिसन की तरफ बढ़ता है। एडिसन ट्रैप का बटन दबा देती है। तभी ट्रक में से एक रोड निकलकर जीपर्स की आंख में घुस जाती है और एडिसन वहां से भाग जाती है। जीपर अपने भाले से एडिसन को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसकी एक आंख नहीं होती है। वह उसका पीछा करता है लेकिन एक ट्रक से टकराकर वह वहीं पर गिर जाता है और एडिसन वहां से भाग जाती है। फिर जीपर अपने ट्रक को लेकर गैलन के फार्म हाउस में एडिसन को मारने के लिए पहुंचता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था क्योंकि बड़ी गैलन और एडिसन को अपने साथ ले गया था। यहां पर जीपर्स को अपना कटा हुआ हाथ और एक पोस्टर मिलता है और उस पोस्टर पर लिखा हुआ होता है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो, जिसे देखकर जीपर्स को बहुत गुस्सा आता है और अपने कटे हुए हाथ को तोड़कर इतनी जोर से चिल्लाता है कि सारे पक्षी मरकर नीचे गिरने लगते हैं। अगले सीन में हम बड़ी को देखते हैं जो एडिसन से विदा लेकर बास्केटबॉल मैच के लिए चला जाता है। इसके बाद हम मूवी के मोस्ट क्रेडिट सीन में ट्रिश को देखते हैं जो जीपर्स को किसी भी तरह मारना चाहती है और वह जीपर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। दरअसल ट्रिश वही लड़की होती है जिसको हमने जीपर्स क्रीपर्स पार्ट 1 में देखा था जिसमें जीपर्स ने ट्रिश के भाई डैरी को मारा था। वह अपने भाई की मौत का बदला जीपर्स से लेना चाहती है। तो दोस्तों आपने अगर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। और इस तरह से यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।